नमस्कार, आप देख रहे हैं असम लाइव 24। आपके साथ मैं हूं वर्षा। बता दें कि आज है सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन। बॉलीवुड के सबसे नायाब एक्टरों में से एक है सुशांत सिंह राजपूत। अब हमारे बीच वो नहीं रहे। सुशांत की मौत आज भी उनके फैंस को बहुत चुभती रहती है। आज यानी कि 21 जनवरी को सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन है। सुबह से ही परिवार वाले और उनके फैंस उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सुशांत आज हमारे बीच नहीं रहे। इसी बीच उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के पोस्ट का इंतज़ार सभी को था और फाइनली रिया ने सुशांत सिंह के लिए कुछ शेयर किया है। बता दें सुशांत के बर्थडे पर रिया ने कुछ और अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं और उन्हें बधाई दी है। रिया चक्रवर्ती ने उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के साथ दो फोटो शेयर की है। उन्होंने फोटो के कैप्शन में कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन बता दें इन्फिनिटी का साइन लगाकर प्लेस बैन एड किया गया है बता दें, और इस ब्लैक हार्ट इमोजी लगाया है। रिया ने जो फोटोज पोस्ट की है उनमें सुशांत उनके साथ काफी खुश दिख रहे हैं। दोनों चाय के कप में आगे छिपे हुए हैं और एक साथ बेहद खूबसूरत भी लग रहे थे। सुशांत की बहन ने रिया को दोषी ठहराया था। बता दें कि वैसे आप सभी को पता होगा कि सुशांत के परिवार हमेशा से ही रिया के ऊपर इल्जाम लगाते आ रहे हैं। उनकी बहन प्रियंका सिंह ने भी इस शुरुआत में एक समाचार चैनल से बात करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया था, जहां उन्होंने ये कहा था कि रिया ने उनके भाई का जीवन बर्बाद कर दिया था। और ऐसा भी मानना था कि उन्होंने ये भी कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का जीवन 2019 से बर्बाद हो गया था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने उनके जीवन में वो आई थी जैसे ही वो उन्होंने एंट्री मारा था। 6 दिनों के अंदर ही पहली बार मेरे और मेरे भाई के बीच गलतफहमी हुई रिया चक्रवर्ती के वजह से, और ये इल्ज़ाम रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाया था उनकी बहन ने। इतना ही नहीं, रिया को सुशांत की मौत के बाद काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। वो पूछताछ के चक्रों में भी फंसी। शुरुआत में एनसीबी ने नार्कोटिक ड्रग्स एंड जो साइकोट्रिटिक सब्सटेंस अधिनियम की कोई धारा के तहत जो है 35 आरोपियों पर आरोप लगाने का प्रस्ताव करते हुए अपना मसौदा प्रस्तुत किया, और कुछ आरोपियों में राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक और एक्टर के 2 कर्मचारी भी शामिल थे, जिन पर कथित रूप से राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदने का आरोप लगाया गया था। बता दें हालांकि ये सारे इल्जाम गलत साबित हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं असम लाइव 24। आपके साथ मैं हूं वर्षा। बता दें कि आज है सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन। बॉलीवुड के सबसे नायाब एक्टरों में से एक है सुशांत सिंह राजपूत। अब हमारे बीच वो नहीं रहे। सुशांत की मौत आज भी उनके फैंस को बहुत चुभती रहती है। आज यानी कि 21 जनवरी को सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन है। सुबह से ही परिवार वाले और उनके फैंस उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सुशांत आज हमारे बीच नहीं रहे। इसी बीच उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के पोस्ट का इंतज़ार सभी को था और फाइनली रिया ने सुशांत सिंह के लिए कुछ शेयर किया है। बता दें सुशांत के बर्थडे पर रिया ने कुछ और अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं और उन्हें बधाई दी है। रिया चक्रवर्ती ने उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के साथ दो फोटो शेयर की है। उन्होंने फोटो के कैप्शन में कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन बता दें इन्फिनिटी का साइन लगाकर प्लेस बैन एड किया गया है बता दें, और इस ब्लैक हार्ट इमोजी लगाया है। रिया ने जो फोटोज पोस्ट की है उनमें सुशांत उनके साथ काफ़ी खुश दिख रहे हैं। दोनों चाय के कप में आगे छिपे हुए हैं और एक साथ बेहद खूबसूरत भी लग रहे थे। सुशांत की बहन ने रिया को दोषी ठहराया था। बता दें कि वैसे आप सभी को पता होगा कि सुशांत के परिवार हमेशा से ही रिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं। उनकी बहन प्रियंका सिंह ने भी इस शुरुआत में एक समाचार चैनल से बात करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया था, जहां उन्होंने ये कहा था कि रिया ने उनके भाई का जीवन बर्बाद कर दिया था। और ऐसा भी मानना था कि उन्होंने ये भी कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का जीवन 2019 से बर्बाद हो गया था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने उनके जीवन में वो आई थी जैसे ही वो उन्होंने एंट्री मारा था। 6 दिनों के अंदर ही पहली बार मेरे और मेरे भाई के बीच गलतफहमी हुई रिया चक्रवर्ती के वजह से, और ये इल्ज़ाम रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाया था उनकी बहन ने। इतना ही नहीं, रिया को सुशांत की मौत के बाद काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। वो पूछताछ के चक्रों में भी फंसी। शुरुआत में एनसीबी ने नार्कोटिक ड्रग्स एंड जो साइकोट्रिटिक सब्सटेंस अधिनियम की कोई धारा के तहत जो है 35 आरोपियों पर आरोप लगाने का प्रस्ताव करते हुए अपना मसौदा प्रस्तुत किया, और कुछ आरोपियों में राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक और एक्टर के 2 कर्मचारी भी शामिल थे, जिन पर कथित रूप से राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदने का आरोप लगाया गया था बता दें, हालांकि ये सारे इल्जाम गलत साबित हो चुके हैं।